अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एसएन महमूद एंड वेलकम टू ज़ायोंस। लास्ट वीडियो में हमने अपनी ऐप की ऑथेंटिकेशन फ्लो को इम्प्रूव किया था, उसमें लॉक गार्ड सेट किए थे, ऑथेंटिकेशन एचओसी को इम्प्रूव किया था, कैपेसिटर की नेटवर्क एपीआई को इंट्रोड्यूस करवाया था, रिएक्ट राउटर 6 के आउटलेट कंपोनेंट को इंट्रोड्यूस करवाया था और ओवरऑल अपनी ऐप के फ्लो को इम्प्रूव किया था। इस वीडियो में हम वहां से कंटिन्यू करेंगे और अपनी ऐप में जो हमने मेन ऐप लेआउट का कंपोनेंट ऐड किया उसमें जो हमने हेडर और फुटर प्लेस होल्डर रखे हैं उनको एक्चुअल कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं यहाँ पे कोड को ओपन कर लूंगा और साथ ही ब्राउजर को भी ओपन कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने यहां तक काम किया था और अब हम इस हेडर कंपोनेंट को रिप्लेस करेंगे एक प्रॉपर एटलीस्ट गुड लुकिंग हेडर कंपोनेंट के साथ। उसके लिए मैं यहां पे कोड में आ जाऊंगा और कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट ऐड करूंगा, हेडर, दैट्स इट डॉट टीएसएक्स, और कॉन्स्टेंट हेडर इक्वल टू, सॉरी, रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न हेडर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस, और इसको हम यूज करेंगे। लेआउट में आ जाएंगे, मेन ऐप लेआउट, और इसकी जगह हम इसको यूज करेंगे, दैट्स इट। और ये हेडर यहाँ पे आ गया। अब एक बेसिक से हम लेआउट फॉलो करेंगे। बेसिकली यहाँ पे मैं एक फुल विड्थ सेक्शन ले लूंगा और उसमें लोगो ऐड कर दूंगा और साथ में यहाँ पे बटन ऐड कर दूंगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे इस सारी चीज को कंटेनर में मूव कर दूंगा, रिडक्स यूआई का जो कंटेनर है उसमें मूव कर दूंगा, ताकि सारा सेंटर लाइन हो जाए। और इसकी स्पेस बहुत ज्यादा हो गई है तो हम क्या इसकी स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पेस ओके। बेसिकली ये कंटेनर को ज्यादा स्पेस लेफ्ट राइट से छोड़ रहा है, इतने ज्यादा स्पेस में नहीं छोड़ना चाह रहा क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा अजीब सा लगेगा, तो मैं इसको रहने दूंगा और इसके साथ कंटिन्यू करूंगा। हेडर कंपोनेंट में आ जाएंगे और यहाँ पे ड्वेल करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मुझे एक लेट्स से फ्लेक्स चाहिए और फ्लेक्स के अंदर अब मुझे यहां पर ओके, पहले बॉक्स फ्लेक्स और उसमें इमेज सॉरी,
ये इमेज आइकॉन, तो हम इमेज यहाँ पे यूज कर लेंगे सोर्स। मैंने यहाँ पे एक बेसिक सी इमेज चूज किया अपने न्यूज़पेपर ऐप के आइकॉन के लिए, उसको यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर दूंगा। पहले यहाँ पे एक इंडेक्स डॉट टी एस बनाएंगे और इसको मैं यहाँ से गायब कर दूंगा, इस चीज को अभी के लिए गायब कर दूंगा क्योंकि ये यूज नहीं हो रही। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, नहीं इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस एंड दैट। कोई मसले वाली बात नहीं, तो मैं फिर इसको चेंज कर रहा हूँ। ये बेसिकली यहाँ पे ये सही काम नहीं कर रहा, इसको देखते हैं यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। ओके ओके क्योंकि ठीक है, इसको फिर हम कॉन्स्ट एक्सपोर्ट इमेजेस और उसमें ओके चल ये देखते हैं। ओके आइकॉन एटलीस्ट आ गया हमारे पास, और इसको मैं थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाह रहा हूँ, कॉन्स्टेंट बनाए और इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं। दैट्स इट, रिफ्रेश, ये ठीक है। और इसकी विड्थ और हाइट डिफाइन कर लेंगे। विड्थ लेट्स से 50 पिक्सल और 60, ओके ये चलेगी। और यहाँ पे अब मुझे ग्लास चाहिए, ग्लास नहीं, मैं यहाँ पे वापस आता हूँ रेडिक्स यूआई में। बॉक्स ही नेम लिया होगा,
बेसिकली मुझे यहाँ पे थीम का कलर चाहिए, तो वो मैं देख रहा हूँ अगर मुझे मिल जाए। ओके अभी के लिए ठीक है, उसके बाद फ्लैग्स और जस्टिफाई बिटवीन। ये हमारा बेसिक सा फ्लो कंप्लीट हो गया। अगर यूजर ऑथेंटिकेटेड है तो ये शो होगा, और अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं होगा तो फिर ये शो होगा। इस पे वापस आ जाते हैं होम पेज। और अभी एक चीज रह गई है कि जिस बेसिकली रोड पे हो वो हाईलाइट होना चाहिए। इसको मैं कंसोल लो करता हूँ ताकि इसको समझ सके। और इसमें एक मैच हुआ है जो कि ये है। इसका तरीकाकार ये होगा कि हम यहाँ पे एक हेल्पर फंक्शन लिख लेते हैं जो कि हमें अभय देगा, जिसमें से मेनली ये पाथ नेम रिक्वायर्ड कॉन्स्ट फॉर्मेट राउट्स मैच रिजल्ट। इसको राउट्स मैच चाहिए जो कि अरे होगी पाथ पाथ नेम पाथ नेम की जो कि स्ट्रिंग हो। मेनली बस मुझे यही चाहिए।
यहाँ पे ये बेसिकली इसको करेगा ऑस्ट इस होम राउट अगर राउट्स मैच सबसे पहले इफ राउट्स मैच डॉट लेंथ ग्रेटर देन जीरो तभी ये करने की जरूरत है एल्स रिटर्न नल यहाँ पे मैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ ताकि उसका फायदा ये होगा कि चलिए अनडिफाइंड वहां पे आ जाएगा पाथ नेम इक्वल टू दिस ओके ये यहाँ पर हो गया और इसको मैं बेसिकली मूव कर दूंगा हेल्पर्स में ये रिफ्रेश और जो राउट मैच होगा उस राउट पे वो ट्रू कर देगा मेनली अब सिर्फ जो चीज रह गई है वो ये है कि उसको ये बता दिया जाए कि ओके इसका कलर जो है वो टेल करना है कि नहीं करना
ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, और उसके बाद इसको बटन्स पे लॉग इन करके एक दफा देख लेते हैं वो चलता है ऊपर से कि नहीं। और ये फीड दिस दैट, और ये भी चल रहा है जैसे चलना चाहिए। नेक्स्ट हम काम करेंगे फुटर कंपोनेंट। फुटर कंपोनेंट को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे मैं आ जाऊंगा और हम देखेंगे कि न्यू स्वीट माई अकाउंट, ये ओके माई अकाउंट में ये हो रहा है कि माई अकाउंट में वापस आते हैं। माई अकाउंट में ये कैसे इतनी स्पेस ले रहा है, मैंने ये कहा है कि इतनी जो स्पेस है वो मेन फाइल, मैं इसको 93 कर दूंगा अभी के लिए, और अभी भी ये थोड़ी ज्यादा है तो इसको 80 करके देखेंगे और आई थिंक इससे काम चल जाएगा। और 82 ओके, फुटर कंपोनेंट पे वापस आते हैं। यहाँ पर एक कंपोनेंट बन जाएगा फुटर इंडेक्स डॉट टी एस एक्स कॉन्स्ट फुटर रिएक्ट डॉट फंक्शनल कंपोनेंट रिटर्न फुटर एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फुटर, और इसको मैं यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा मेन लेआउट में इसके साथ, इसको यहां से रिमूव कर देंगे और दैट्स इट। ये हमारे पास फुटर कंपोनेंट आ गया, और अब फुटर कंपोनेंट में आके उसको डिजाइन हम करेंगे, जहाँ पे मुझे सबसे पहले एक बॉक्स चाहिए और इसको मैं क्लास दे दूंगा स्टाइल्स डॉट सी एस एस डॉट फुटर कॉन बैकग्राउंड कलर वार, इसको यहीं से कॉपी कर लेंगे। और ये इंपोर्ट दिस, और यहाँ पर ये वाइप हो गया क्योंकि इसमें कोई कंटेंट नहीं है। ओके ये आ गया ओके, और इसको मैं थोड़ी सी पैडिंग दे दूंगा बी वाई लेट्स से 1 या 2 ओके। अब इसमें कंटेंट क्या एक आएगा,
बॉक्स क्लास फुटर कंटेंट और वो भी विड्थ 90%, मार्जिन 0 ऑटो, उसमें फ्लेक्स आ जाएगा और उसमें टैक्स आ जाएगा। ये टैक्स आ गया, इसको यहाँ पर इसमें लिख देंगे सिंपल जो कॉपीराइट होते हैं, ऑल राइट्स रिजर्व्ड कॉपी राइट सिंबल डे जे एस, मेरे ख्याल से मैंने इंपोर्ट की थी डे जे एस फ्रॉम डे जे एस, वैसे इसकी इतनी जरूरत भी नहीं है, हम यहाँ पे वैसे ही कह सकते हैं न्यू डेट डॉट गेट ईयर, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ये ईयर चाहिए, इसको बाद में देखेंगे। ये मैं कह दूंगा जस्टिफाई बिटवीन और अलाइन सेंटर, डेवलप्ड बाई एस एम महमूद विद हार्ट ओके। ये मैं लिंक चाहता हूं तो इसको लिंक कर लेंगे HREF। यहाँ पे अब मुझे डिटेल्स चाहिए, डिटेल्स में आ जाएंगे, कांस्टेंट में एक्सपोर्ट कांस्टेंट डेवलपर डिटेल्स एज कांस्टेंट पोर्टफोलियो वेबसाइट https://runfsm.com। और एक इनम क्रिएट कर लेंगे। मैं बेसिकली इसका एक शॉर्ट URL वहाँ पे ऐड करना चाह रहा था, खैर अब
फैमिली के लिए रहने रहते हैं इसको, और यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इसको बटन के साथ रैप करके देखते हैं कि ये अच्छा लगता है कि नहीं लगता। एज चाइल्ड साइज 1, ओके ठीक है। मार्जिन राइट 2, मेन लेआउट में आते हैं और इसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेते हैं कि ये जो है बॉक्स दिस और मेन हाइट 80 VH, इसका फायदा ये होगा कि चलो ये ऑलमोस्ट हर जगह पे कंसिस्टेंट होगा और टूटो कर देते हैं तो ठीक है। ये और उससे ये हुआ है कि अब हमें इस चीज़ को यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं रही जो कि हमने यहाँ पे इंडिविजुअली कर रहे हैं। पेजेस में आएंगे, माई अकाउंट में, यहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं रही। ओके ओके ठीक है, इसको रहने देते हैं फिर ताकि ये सेंटर में रहे। ओके एक दफा हम मोबाइल में टेस्ट कर लेते हैं इसको, इसको भी सॉरी रिफ्रेश करते हैं। ओके मोबाइल में बटन्स अच्छे नहीं लग रहे और बाकी ऑलमोस्ट ओके है। बटन्स मोबाइल में बहुत बुरे लग रहे हैं तो बटन्स बेसिकली मोबाइल में कैसे हम करवा सकते हैं स्पॉन्सर में देखते हैं कि कहाँ तक ये सही लगते हैं। ये 650 तक ये ऑलमोस्ट ओके है। यहाँ पे ऐसे करते हैं यहाँ तक 900 से नीचे इनका जो साइज है वो कम कर देते हैं। तो उसके लिए रिएक्ट रिस्पॉन्सिव, ये बेसिकली हमें ना मीडिया क्विडी दे देगा जिसको यूज करते हुए हम ये ले सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव देख लेते हैं क्योंकि लास्ट टाइम मैंने यही यूज किया था, अगर कोई बेहतर अल्टरनेटिव है तो उसको देख लेते हैं। ओके यूज हुक्स, इसका जो डाउनलोड्स हैं वो काम में, इसके साथ फिर मैं जा रहा हूँ। अभी हमारी जरूरत भी सिर्फ यही है।
इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। इस पैकेज को हमने इंस्टॉल कर लिया और इशू ये है कि यहाँ से जब नीचे 900 से मैं चाहता हूँ जब नीचे आए तो ये बेसिकली इसका साइज 2 पे चला जाए, फिर और नीचे आए लेट्स से 700 से तो इसका साइज 1 पे ट्राई कर लें, अगर नहीं 1 पे करना तो फिर एटलीस्ट ये ऐसे हो कि बटन जो है वो नीचे आ जाए ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे। तो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं हेडर कंपोनेंट को ओपन कर लूँगा और यहाँ पर मैं इम्पोर्ट दिस फ्रॉम React responsive use media query और सॉरी इसको यूज करने का क्या तरीका था, और ये मैक्स पे होगा मेन पे, टैबलेट पे अगर होगा तो अच्छा। इसको भी मैं ना चेंज करना चाह रहा हूँ ताकि हम इसको भी इम्प्रूव कर सकें। इसको लीव फैक्टर करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज़ रिपीट हो रही है बार बार। इसमें ये चाहिए कि आउट है कि नहीं, ओके। उसके बाद जिस राउट पे जाना है और जो शो करवाना है, तो बनाते हैं इसको। पाथ लेट्स से के App routes dot com ओके। इसके बाद is authenticated to label के, और अब मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है। इसको बेसिकली मैं पहले यहां पे कमिट कर देता हूँ कोड को, ताकि आपके पास इसका रिकॉर्ड रहे। अब ताकि वो जो ये जो चीज हुई है ओके। अब बेसिकली मुझे क्या चाहिए, करंट एक्टिव राउट मुझे सिर्फ ये चाहिए जो कि मुझे मिल जाएगा उसके जीरो थे इंडेक्स पे जाने से। और That's it. ये स्ट्रिंग यहाँ डिफाइन हो सकता है ओके। और इसकी जरूरत नहीं रही, इसका अभी के लिए इसको रहने देते हैं ताकि ये एरर ना आए। और एक कंपोनेंट में ऐड करता हूँ नेविगेशन लिंक index.ts React dot functional component return this
एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और यूजर फीड, इसका क्या है? माई फीड, एक अलग फीड, न्यूज फीड। माई अकाउंट, इसमें मेरे ख्याल से माई अकाउंट ही है। लॉग इन, फॉल्स, लॉग इन, रजिस्टर, फॉल्स, रजिस्टर, ओके। और ये जो चीज है ये भी हम यहाँ पे लेकर जा सकते हैं क्योंकि इसका उधर कोई काम नहीं। ये हो जाएगा लाउट स्नैच। उसके बाद करंट एक्टिव लाउट में आओ, दैट्स इट। और इस चीज को बाद में देखेंगे। यहाँ पे बेसिकली चाहिए क्या इसमें? इसमें बेसिकली मुझे जो जो ये चीजें हैं ये सारी चाहिए। पाथ इज ऑथेंटिकेटेड ऑन लेबल, पाथ स्ट्रिंग इज ऑथेंटिकेटेड बुलियन और लेबल स्ट्रिंग। यहाँ से इस चीज को भी निकाला जा सकता है। ओके, इफ ऑथेंटिकेटेड एंड अब यहां से हम एक बटन को सिर्फ कॉपी करेंगे, इसको यहां पे पेस्ट करेंगे और सिर्फ और सिर्फ ये करेंगे इस करंट पाथ एक्टिव, करंट राउट पाथ हो गया। और ये इसी के साथ यहां पर ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और यहां पर सिर्फ और सिर्फ लिंक्स डॉट मैप एल और नेविगेशन लिंक दिस जिसको के जो जो चीजें चाहिए इज ऑथेंटिकेटेड वो हो जाएगा। एल डॉट इज ऑथेंटिकेटेड, पाथ एल डॉट लेबल, पाथ एल डॉट पाथ और की। लेट्स से के
अब इसको भी यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये लोकेशन आ गई सच। तो उससे पहले मैं बस इसको पेस्ट कर लूँ। और ये क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं था किया इंस्टॉल करने के बाद, तो उसको अभी तक पता नहीं चला कि ये है, तो कोई नहीं, हम मैनुअली इंपोर्ट कर लेते हैं। और हेडर कंपोनेंट आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा लीन हो गया है। ये यहाँ से कट करें, यहाँ से ये सारी चीजें कट करो। चलो ये फाइनल कंपोनेंट है। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो ये जो लिंक्स हैं इनको बेसिकली अलग-अलग कांस्टेंट में से भी ला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट ये जो फ्लो है वो ठीक है। एक चीज जो सिर्फ रह गई है वो ये है कि एट द एंड अगर हमारे पास यहाँ पर है, ये हो गया, और एंड पे सिर्फ और सिर्फ अगर नेविगेशन स्टेट है तो उसके लिए उसको कर लेंगे इम्पोर्ट। अगर ये है तो दिस, अदरवाइज नल, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लॉग आउट बटन, दैट्स इट। ये हो गया। और ये काम कर रहा है। ओके, ये काम करना बंद करके, तो क्योंकि ये हमेशा इधर ही रह रहा है तो मुझे इसको पाथ पे करना पड़ेगा, और अब होपफुली ये काम भी करेगा। और लॉगआउट का बटन वैसे ही काम करेगा। अब मेन जो चीज़ जिसके लिए सारा काम किया है वो ये है कि अगर ये हो टैबलेट, ओके, इस डेस्कटॉप मेन डेस्कटॉप, और बेसिकली ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट करता जाएगा। ये है, और इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा इसी तरह। मैक्स ये, इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर आप दो चीज़ों को कैसे ले सकते हैं। मेरे ख्याल से ज़्यादा ही छोटे हैं, लेकिन एटलीस्ट 1 मिनट मैं इस पर वापस आता हूँ। इस बॉक्स की मेरा भी ख्याल से, ओ सॉरी, बॉक्स की इस वजह से ज़रूरत है क्योंकि ये करना, और अलाइन बॉक्स को रहने दो, फिर यहाँ पे भी फ्लेक्स ले लो और अलाइन सेंटर, क्योंकि ये मुझे सेंटर में चाहिए। और लिंक्स जो है उनको इतना छोटा ना करो, उसको यहीं तक रहने दें। क्योंकि वो ज्यादा छोटे फिर अच्छे नहीं लग रहे। लॉग आउट बटन,
और इसमें क्यूरी की बजाय मेन विड्थ 901 पिक्सल। अच्छा जी, ये हो गया और इसमें ठीक है ये और ये, और जैसे 600 से नीचे जाता है तो फिर इसको लेट से 670 से नेविगेशन में वापस आते हैं, इसको करते हैं ये मैच, ये इस मोबाइल और ओके 700 इसको 700 के नीचे जस्टिफाई इस मोबाइल देन जस्टिफाई सेंटर अदरवाइज जस्टिफाई बिटवीन और डायरेक्शन इस मोबाइल देन कॉलम अदरवाइज रो, और अगर मोबाइल है तो मार्जिन टॉप इफ मोबाइल देन 4 अदरवाइज 0। एडिट में वापस आते हैं ओके ठीक है। अब ये नीचे फुटर को देखते हैं, फुटर अभी तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, और इसके बाद इसको मेरे ख्याल से सिर्फ और सिर्फ रैप ऐड करना और ETC करना वो ठीक हो जाए। नेक्स्ट हम फुटर को रिस्पॉन्सिव करेंगे, ये ज़रा इजी रहेगा होपफुली। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ फुटर में आएंगे, इसको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ से कॉपी कर लेंगे ये, और अगर ये मोबाइल है तो बेसिकली मैं इसकी डायरेक्शन जो है कॉलम कर दूंगा अदरवाइज रो रहेगी, और अगर ये मोबाइल है तो सेंटर हो जाएगा अदरवाइज ये रहेगा। एक चीज इससे काफी फर्क पड़ा है, और दूसरा लास्टली अगर ये मोबाइल है तो मार्जिन टॉप, मोबाइल है तो लेट्स से 3 अदरवाइज 0, 0 कम हो जाएगा, 1 कर देते हैं ओके। 3 ज्यादा है, 2 कर देते हैं, 2। और रैप जो है वो 2 ही रहने दें, रैप रैप, ताकि जब नीचे आते जाए तो ये होता जाए। यहाँ पे एक सिर्फ चीज हो रहा है कि जो कि इसका मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम अगर इस मोबाइल है तो 2 अदरवाइज 0, और
यहाँ पर टैक्स अलाइनमेंट भी ये इसी के साथ हमारा फुटर भी रिस्पॉन्सिव हो गया और हेडर भी रिस्पॉन्सिव हो गया, और फुटर और हेडर हमने ऐड भी कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ से सर्च है जो आर्टिकल्स है वहां से काम स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर एक सिंपल ग्रिड टाइप लेआउट बनाएंगे जिसमें कि हम देखेंगे एपीआई, पहले स्टडी कर लेंगे एपीआई में से जिस टाइप का डाटा आ रहा होगा उस टाइप के एलिमेंट्स को शो करवा देंगे। जैसे कि टाइटल होपफुली आ रहा होगा, अगर इमेज यूआरएल आ रहा है तो उसको और रिस्पेक्टिवली चीजों को शो करवा देंगे। ये थी आज की वीडियो, होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस का अलर्ट आपको मिलता रहे। इस सीरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ और सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें ताकि वो लोग जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में रिएक्ट जेएस और लारावेल ऐप डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं वो इस कोर्स से फायदा हासिल कर सके। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.